रभीमान मैं शिवानी मैं पीपल फार्म की को फाउंडर हूँ और मैं पीपल फार्म प्रोडक्ट्स को लीड भी करती हूँ आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है गोल्डन मिल्क ये जो रेसिपी हमने बनाई है इसमें हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है और हम सबको याद होगा जब हम बच्चे थे तो जब भी हमें चोट लगती थी तो माँ हमें दूध के गिलास में हल्दी डाल के देती थी पर हमें वो बिल्कुल स्वाद नहीं लगता था और आज भी बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जिन्हें हल्दी का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो काफ़ी इंटेंस और काफ़ी स्ट्रॉन्ग uh, होती है टेस्ट में तो आज हमने एक ऐसी रेसिपी बनाई है जिससे जिसे बच्चे भी पसंद करेंगे और बड़ों को भी अच्छा लगेगा तो फिर बनाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट्स चाहिए ये इन्ग्रीडियंट्स आपके किचन में भी ईजिली अवेलेबल होंगे सबसे पहले तो हमें चाहिए हल्दी टर्मरिक इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने पीपल फार्म की ऑर्गेनिकली ग्रोन टर्मरिक का इस्तेमाल किया है उसके बाद चाहिए हमें दो कप मिल्क ये घर में निकाला हुआ सोए मिल्क है एक चम्मच जागरी चाहिए हमको दो स्ट्रैंड्स हमें केसर के चाहिए एक चुटकी नमक एक छोटी हरी इलायची थोड़ी सी टर्मरिक आप आधा चम्मच भी ले सकते हैं दो लौंग दो काली मिर्च एक हमें सिनेमन चाहिए आधा इंच का और थोड़े से कुछ कटे हुए बादाम गोल्डन मिल्क बनाने के लिए हमें थोड़ी सी दालचीनी चाहिए एक लौंग और दो काली मिर्च चाहिए इसको मैं दोरी में डाल के इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लूँगी सो so, दो कप जो मिल्क है उसको हमने एक पतीले में हल्की आंच में रख दिया गैस पे और जो मसाले हमने पीसे थे उसको हमने इसमें डाल दिया दो आपने जो सेफ्रन है यानी कि केसर उसके दो स्ट्रैंड्स भी इस दूध में डाल दिए हरी इलायची छोटी वाली उसको मैंने ब्रेक कर कर हाथ से ही खोल दिया उसको मैंने और इसमें डाल दिया इस सबको मैंने हल्के सेक पे ही रखा हुआ है और उसको हिला दिया हल्की आंच पे इसको पाँच से दस मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि इसके सारे जितने भी स्पाइसेस हैं उसकी अच्छी तरीके से इसमें गुण भी आ जाए और अरोमा भी आ जाए और बीच में एक दो बारी हिला देंगे हम इसको मेरा एक चम्मच जागरी पाउडर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं स्वाद अनुसार है जिसको भी जैसा मीठा पसंद हो और उसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी और इसको हल्के से एक ही रखना है और हल्के हाथ से इसको हिलाते जाना है ताकि जो हल्दी है वो अच्छी तरह से दूध में मिल जाए हल्दी डालने के बाद गैस बंद कर दीजिए और इसको हिलाते रहिए और एक चुटकी जो नमक है वो इस समय आप इसमें डाल दीजिए और अच्छी तरह से इसको हिला लीजिए ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए ये दूध है तैयार इसको हम छान लेंगे ताकि जो होल स्पाइसेस हमने डाले हैं वो मुंह में ना आए पीते हुए दूध रेडी है सर्व करने के लिए ये वॉम है अगर आपको वॉम पसंद नहीं है तो आप इसे फ्रिज में भी छोड़ सकते हैं एक डेढ़ घंटे के लिए ताकि ये ठंडा हो जाएगा गर्मियों में आप ये वैसे भी पी सकते हैं और चाहें तो इसको गार्निश कर सकते हैं कटे हुए बादाम और पिस्ता डाल सकते हैं इसमें सर्व करने से पहले